नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी साल 2021 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जन्माष्टमी व्रत का पालन करने का शुभ समय क्या रहेगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें से जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का त्योहार भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे हुआ था। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार खासकर पर मथुरा वृंदावन में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग पूरा दिन व्रत और उपवास रखते हैं। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व यानी सप्तमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन करें और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और सभी ओर से अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें। फिर अगले दिन प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। और जन्माष्टमी की पूजा रात्रि काल में होता है। आप सबसे पहले लट्टू गोपाल की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा लें, फिर उन्हें सुंदर चमकीली रेशमी वस्त्र और आभूषणों से सजाकर भगवान को छूले या किसी सिंहासन में विराजित करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करें, जल रोली अक्षत फल फूल चढ़ाएं और पंजीरी वावर पंचामृत का भोग लगाएं और लड्डू गोपाल का प्रिय माखन मिश्री का भी भोग लगाएं, फिर धूप दीप जलाकर आरती करें, फिर प्रसाद खाकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करने का विशेष फल मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी की पूजा विधि पूर्वक करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि साल 2021 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को मनाया जाएगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त 2021 की रात को 11:25 पर होगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2021 की प्रातः काल 1:59 पर होगा और रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 30 अगस्त 2021 की सुबह 6:39 पर हो जाएगा और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 31 अगस्त 2021 की सुबह 9:44 तक चलेगा और निषेध काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:59 से लेकर रात 12:44 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 45 की रहेगा। और अब बात करते हैं व्रत पालन की समय की। तो जो लोग जन्माष्टमी व्रत का पालन सूर्य उदय के बाद अगले दिन करते हैं तो उनके लिए पालन का शुभ समय 31 अगस्त 2021 की सुबह 5:59 पर रहेगा। भारत के कई स्थानों पर व्रत का पालन निषिद्ध पूजा के बाद किया जाता है तो उनके लिए व्रत का पालन 31 अगस्त 2021 की प्रातः काल 12:44 पर होगा और कुछ लोग व्रत का पालन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही करते हैं। तो बता दूं कि अष्टमी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाता है और रोहिणी नक्षत्र 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर समाप्त होता है। तो इस हिसाब से उन लोगों को अपने व्रत का पालन 31 अगस्त 2021 की सुबह 9:44 पर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।